नमस्कार पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने नजूल संपत्ति बिल पारित तो कर दिया है, लेकिन यह बिल विधान परिषद में लटक गया है। इस बिल को लेकर अब हंगामा मचा हुआ है। इस बिल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जोरदार विरोध झेलना पड़ रहा है, जिसके बाद सीएम योगी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बता दे कि लोकसभा चुनाव के बाद ये तीसरा ऐसा मामला है जिस पर हंगामा मचा है। हालांकि नजूल संपत्ति विधेयक को अभी प्रवर समिति के पास भेजा गया है, लेकिन इसके अटकले से एक बार फिर यूपी में सियासी घमासान की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को नजूल संपत्ति विधेयक को रखा, जो काफी हंगामे के बीच विधानसभा से पारित हो गया। इस बिल को पटल पर रखने के साथ ही सपा कांग्रेस समेत कई बड़े नेता और विधायक इसके विरोध में नजर आए। इसके बाद जब इस विधेयक को विधान परिषद में पेश किया गया, लेकिन एक रणनीति के तहत विधान परिषद में इसे अटका दिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि विधेयक से नाराज कई विधायकों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की और इससे नुकसान होने की आशंका जाहिर की है। नाराज विधायकों का कहना है कि इस बिल से मुश्किलें सामने आएंगी। कुंडा से विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह भी इस बिल का विरोध करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये जनता के हित में नहीं है, इससे लोग जमीन से बेदखल होंगे और उनके घर टूटेंगे। कहा जा रहा है कि कई विधायकों ने इस बिल को रोकने की मांग की है, जिसके बाद ये तय हुआ कि नजूल विधायक को विधान परिषद में रोका जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर नजूल संपत्ति विधेयक क्या है। उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक संपत्ति 2024 का उद्देश्य नजूल संपत्ति को निजी स्वामित्व में बदलने से रोककर उसे विनियमित करना है। नजूल भूमि सरकारी स्वामित्व वाली है, लेकिन सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रबंधित नहीं की जाती है। सरल शब्दों में यह वह भूमि है जिसे सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित करती है और उपयोग करती है, जैसे कि बुनियादी ढांचे या प्रशासनिक कार्यालयों का निर्माण। इस विधेयक में प्रस्ताव है कि नजूल भूमि को निजी व्यक्तियों या संस्थानों को हस्तांतरित करने के लिए किसी भी अदालती कार्यवाही या आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा और खारिज कर दिया जाएगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये भूमि सरकारी नियंत्रण में रहेगी। यदि भुगतान स्वामित्व परिवर्तन की प्रत्याशा में किया गया था तो बिल जमा तिथि से भारतीय स्टेट बैंक की सीमांत निधि आधारित ऋण दर पर गणना की गई, ब्याज के साथ रिफंड अनिवार्य करता है। आपको बता दें कि यह सरकार को अच्छी स्थिति वाले वर्तमान पट्टा धारकों के लिए पट्टे का विस्तार करने की शक्ति देता है, जो नियमित रूप से किराए का भुगतान करते हैं और पट्टे की शर्तों का पालन करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि आज्ञाकारी पट्टा धारक भूमि को सरकारी संपत्ति के रूप में बनाए रखते हुए इसका उपयोग जारी रख सकते हैं। विधेयक का उद्देश्य नजूल भूमि प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और अनाधिकृत निजीकरण को रोकना है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी .com पर। नमस्कार।